नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्यव्रत शाह, MBBS MDD एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को एपिडेमियोलॉजिक स्टडी डिजाइन के ऊपर बोलूँगा। आप लोग जानते हैं, अगर इन्वेस्टिगेटर एक्सपोजर असाइन करता है तब उसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलते हैं, अगर एक्सपोजर असाइन नहीं करता है तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अगर रैंडम एलोकेशन होता है तो उसको हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, अगर रैंडम एलोकेशन नहीं होता है तो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। उसी तरह ऑब्जर्वेशनल स्टडी में अगर कंपैरिजन ग्रुप है तो उसको एनालिटिकल स्टडी, अगर कंपैरिजन ग्रुप नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोलते हैं। उस टाइप का एनालिटिकल स्टडी में हम पूछते हैं कि डिरेक्शन है कि नहीं है, अगर डिरेक्शन है तो कहाँ से कहाँ है, अगर एक्सपोजर से आउटकम होता है एक स्टडी का डिरेक्शन इसको कोर स्टडी बोलते हैं, अगर आउटकम से एक्सपोजर होता है तो इसको केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं, अगर एक्सपोजर आउटकम दोनों सेम टाइम में होता है, एक टाइम में होता है तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं। तो इसी टाइप का हम लोग स्टडी डिजाइन यूज करके रिसर्च करते हैं और एविडेंस देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।